गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, आज हमारी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या है हमारे लिए, चलिए हम देखते हैं। लेसन नंबर 2, नुनमुन और चुनमुन। एक तालाब था, उसके किनारे पर एक बत्तख रहती थी। बत्तख के दो बच्चे थे, नुनमुन और चुनमुन। नुनमुन और चुनमुन बहुत छोटे थे, वे तैरना नहीं जानते थे, इसलिए बत्तख तालाब में से मछलियाँ पकड़कर बच्चों को खिलाती थी। जब नुनमुन और चुनमुन थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन बत्तख ने उनसे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, आज मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। बत्तख दोनों बच्चों को तालाब के पास ले आई। तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले थे, रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियाँ तैर रही थीं। बत्तख ने नुनमुन और चुनमुन से पानी में उतरने को कहा। नुनमुन झट से पानी में कूद पड़ा। पहले वह पानी में डूबा, फिर बाहर निकला। डूबने से बचने के लिए उसने पंखों और पैरों को हिलाया। इस प्रकार वह जल्दी ही तैरना सीख गया, किंतु चुनमुन पानी में कूदने से डर रहा था। बत्तख ने जब उससे पानी में उतरकर तैरने का प्रयास करने के लिए कहा तो चुनमुन बोला, मैं ना नहाऊं, मैं ना तैरूं, गहरा पानी मैं ना डूबूं। एक तालाब में एक बत्तख था जिसके दो छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों को बत्तख तालाब से मछलियां लाकर खिलाती थी। जब वो बत्तख बड़े हो गए तब उनकी माँ ने उनको तैरने को कहा। उस एक नुनमुन नाम का जो छोटा बच्चा था वो तैरना सीख गया। कैसे तैरना सीखा? पहले वो पानी में डूबा, फिर उसने अपने पंखों और पैरों को हिलाना शुरू किया ताकि वह डूबने से बच पाए। इस तरह से वह जल्दी से तैरना सीख गया। उसका छोटा भाई जो चुनमुन था वो बहुत डरा हुआ था, वो नहीं तैरना जानता था और वो कोशिश भी नहीं किया और उसने सीधे बोल दिया, मैं ना नहाऊं, मैं ना तैरूं, गहरा पानी मैं ना डूबूं। फिर उसकी माँ ने सोचा कि अब तो ये तालाब में नहीं तैर रहा है, अब मैं इसे क्या करूं। फिर उसने उसे एक नदी के किनारे लेके गया। तालाब में उसने तैरने के लिए मना कर दिया तो वो एक नदी के किनारे ले गया। नदी में बगुले, मगर और कछुए थे। मगर मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। वो उस नदी के किनारे बड़े बगुले, मगरमच्छ और कछुए रहते थे और मछलियाँ भी थी उसमें। चुनमुन को फिर से बत्तख ने कहा, चलो तुम इसमें तैरने के लिए सीखो। फिर से चुनमुन ने क्या बोला, मैं ना नहाऊं, मैं ना तैरूं, गहरा पानी मैं ना डूबूं। उसने फिर से ऐसा ही बोल दिया। अब बत्तख चुनमुन को पोखर ले गई। पोखर यानी कि छोटा तालाब, बड़ा तालाब, तालाब यानी कि नॉर्मल तालाब, और पोखर मतलब छोटा तालाब कीचड़ से भरा हुआ। पोखर छोटा सा था, उसमें कम पानी था और कीचड़ ज़्यादा था। उस पोखर में पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा था। वहाँ पर मेंढक थे। बत्तख ने चुनमुन से कहा कूदने के लिए। चुनमुन ने फिर से बोला, मैं ना नहाऊं, मैं ना तैरूं, गहरा पानी मैं ना डूबूं। अब चुनमुन किसी तरह से पानी में उतरने को तैयार नहीं। अब देखा कि अब मैं उसने नदी में ले गई, उसकी माँ तालाब में ले गई, पोखर में ले गई, उसने कहीं भी तैरने से उसने मना कर दिया। अब बत्तख सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ। उसने सोचा चिड़िया का बच्चा उड़ता है, मुर्गा का बच्चा चलता है, बत्तख का बच्चा तैरता है, यदि यह ना तैरेगा तो कैसे काम चलेगा। अब उसकी माँ पूरा सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ, चिड़िया तो उड़ते हैं, बच्चे मुर्गी के बच्चे चल रहे हैं, बत्तख के बच्चे अगर नहीं तैरेंगे तो कैसे ये काम चलेगा। बत्तख ने उस बच्चे को पुनः उसी तालाब के पास ले गई जहाँ से वो पहले रह रहे थे। उसकी माँ वहीं उसे ले कर के गई।
वहाँ एक बच्चा मज़े से तैर रहा था। उसने अपने चुनमुन को दिखाया कि देखो वो बच्चा कैसे तैर रहा है। चुनमुन को अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब में तैराने लगी। कुछ देर बाद बत्तख ने पानी में डुबकी लगाई, जिससे चुनमुन पानी में गिर पड़ा। गिरते ही वह पानी में डूबने लगा। डूबने से बचने के लिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पैरों को हिलाया डुलाया। कुछ ही देर में वह तैरने लगा। वह गाने लगा, मैं भी तैरूं, मैं भी तैरूं, मुझे न रोको, मैं भी तैरूं। बत्तख चुनमुन को तैरते हुए देखकर बहुत खुश हुई और चुनमुन को शाबाशी दी। अब उसकी माँ ने दिमाग लगाया कि चलो मैं उसे पुरानी पोखर के पास ले जाती हूँ। और उसने बोला, चलो बेटा मैं तुम्हें अपने पीठ पर घुमा के लाती हूँ। वो अपनी माँ के पीठ पर बैठकर घूमने लगा। उसकी माँ ने जैसे ही पानी के अंदर अपना सिर डाला, वो बत्तख पानी में गिर गया। चुनमुन पानी में गिर गया। गिरने के बाद वो उसकी माँ ने देखा कि वो कैसे अपने आप को बचाता है। तभी चुनमुन ने क्या किया, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उसने पंख हिलाए, पैर हिलाए, वो जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वो भी तैरना सीख गया। फिर उसने खुश होकर गाना गाया, मैं भी तैरूं, मुझे न रोको, मैं भी तैरूं, यानी कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं भी तैर सकता हूँ। फिर उसकी माँ ने उसे शाबाशी दी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को आप बिना ट्राई किए हुए ये नहीं बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। किसी भी काम को करने के लिए आप उसे करो, ताकि आप जानो कि आप उस काम को कर सकते हो या नहीं।